महज 5 वर्ष की उम्र में गुरु हरकिशन साहब जी को उनके पिता गुरु हरिराय जी, सिखों के 7वें गुरु की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बिठाया गया था। वह बाला पीर के नाम भी मशहूर थे। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहब जी का जन्म 17 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनके पिता सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरि राय जी थे और उनकी माता का नाम किशन कौर था। बचपन से ही गुरु हरकिशन जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की उम्र में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर हरकिशन जी के बड़े भाई राम राय और उनकी कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब हरकिशन जी गुरुबाणी पाठ कर रहे होते तो वे उन्हें सुई चुभाते, किंतु बाल हरकिशन जी गुरुबाणी में ही रमे रहते। उनके पिता गुरु हरिराय जी ने गुरु हरकिशन को हर तरह योग्य मानते हुए सन 1661 में गुरुगद्दी उन्हें सौंपी थी। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसीलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा गया है। गुरु हरकिशन जी ने बहुत ही कम समय में जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके लोकप्रियता हासिल की थी। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर कहकर पुकारने लगे। गुरु हरकिशन जी के पिता गुरु हरिराय जी के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकिशन। किंतु राम राय को पहले ही सिख धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण गुरु जी ने बेदखल कर दिया था। इसलिए मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही गुरु हरिराय ने सिख धर्म की बागडोर अपने छोटे पुत्र, जो उस समय केवल 5 वर्ष के थे, उनके हाथ सौंप दी। हरकिशन अब सिखों के 8वें गुरु बन गए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी वे सूझबूझ वाले और ज्ञानी थे। पिता के जाते ही उन्होंने किसी तरह का कोई शोक नहीं किया, बल्कि संगत में ये पैगाम पहुंचाया कि गुरु जी परमात्मा की गोद में गए हैं, इसलिए उनके जाने का कोई शोक नहीं मनाएगा। गुरु हरिराय जी के जाने के बाद जल्द ही बैसाखी का पर्व भी आया, जिसे गुरु हरकिशन ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। उस साल ये पर्व 3 दिन के विशाल समारोह के रूप में मनाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब को जब सिखों के नए गुरु के गुरु गद्दी पर बैठने और थोड़े ही समय में इतनी प्रसिद्धि पाने की खबर मिली तो वह ईर्ष्या से जल भून गया और उसके मन में सबसे कम उम्र के सिख गुरु को मिलने का इच्छा प्रकट हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर इस गुरु में क्या बात है जो लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला है जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक राजा जय सिंह का था। कहते हैं जब औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था तब वह यहाँ रुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु हरकिशन सिंह जी जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त दिल्ली को चेचक महामारी ने घेर रखा था और गुरु जी ने इसी बंगले में लोगों का इलाज बंगले के अंदर के सरोवर के पवित्र पानी से किया था, जिसके बाद से ही इस बंगले को उनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब कर दिया गया। अमृतसर में 30 मार्च 1964 को चेचक की बीमारी के कारण महज 8 वर्ष की आयु में सिखों के सबसे छोटे गुरु गुरु हरकिशन सिंह जी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंत समय में अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट है। जब लोगों ने कहा कि अब गुरु गद्दी पर कौन बैठेगा तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। उनके उत्तराधिकारी गुरु तेज बहादुर सिंह जी थे और उनका जन्म बकाला में हुआ था। अरदास हमें गुरु हरकृष्ण का ध्यान करने की सलाह देती है और यह हमसे वादा करती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी बीमारी और कष्ट दूर हो जाएंगे। राजयोग के दृष्टिकोण से हम मान सकते हैं कि गुरु हरकृष्ण 8वें गुरु थे और आंतरिक रूप से 8वें सूक्ष्म शरीर से संबंधित थे, जो कि प्राणिक शरीर है।